नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं और अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रेमनगर पुलिस ने सुबह अंतर्राज्य अवैध स्मैक गिरोह के एक शातिर आरोपी को 320 ग्राम और 20 लाख की अवैध स्मैक के साथ धूलकोट तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। अवैध स्मैक बरेली से लाकर प्रेमनगर के शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं को महंगे दाम पर बेची जाती थी। आरोपी के साथ ही मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार के कुछ लोग हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि हमारा मकसद है जहां से अवैध स्मैक सप्लाई की जाती है वहां तक पहुंचकर कार्रवाई करना। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो नशे का लगातार शिकायतें हमारे पास आ रही है देहरादून में, और उसमें एक अच्छा काम हुआ है। जो इसमें हैंडलर है, जिसमें मेन लोग ऑपरेट करते हैं, उसमें से एक क्लास जिसका नाम मामू भी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे लगभग 18 से 20 लाख का इसमें हमने रिकवर किया है। पिथौरागढ़ में उच्च हिमालय इलाकों के लिए धारचूला से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि धारचूला से गुंजी और बूंदी के लिए ये हेली सेवा शुरू की गई है, जो कि अगले एक महीने तक चलेगी। धारचूला से गुंजी के लिए 3100 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रखा गया है। वहीं आपदा पीड़ितों को ये सेवा निशुल्क दी जाएगी। जिलाधिकारी का ये भी कहना है कि लोगों को हवाई सेवा शुरू होने से काफी राहत मिली है। एक हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया है, जिसका हम लोग हेडक्वार्टर जो है धारचूला में उसको बनाएंगे, वहीं पे उसे स्थापित किया जाएगा। अगले एक माह में इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है आपदाग्रस्त एवं जो दुर्गम क्षेत्र में यात्रा करने वाले जो प्रवासी हैं, जो क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के लिए प्रति व्यक्ति जो है 3100 रुपये का टिकट, जो MOU गठित किया गया है नागरिक उड्डयन एवं संबंधित फर्म के बीच में, तो 3100 रुपीज़ का प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया है। और प्रदेश में भारी बारिश आफत बन रही है। जोशीमठ में देर शाम से ही मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पैनी, सेलंग, लामबगड़, हनुमान चट्टी, पागल नाला समेत कई जगहों पर बंद हो गया। हाथी पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा गया। लगातार 16 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाने वाले एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 नाबालिग बच्चों को भी बरामद किया है। घटना हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महाराष्ट्र नासिक के रहने वाले ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ओम प्रकाश ने बताया कि 2 महीने पहले हिमाचल के नैना देवी मंदिर से 4 बच्चों को नौकरी के लालच में वो बहला फुसलाकर हरिद्वार आया था। इन चारों से धार्मिक स्थानों पर भीख मंगवाई जाती थी। साथ में लेकर के पूछताछ किया तो इसमें पता चला कि चारों बच्चों का जो है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिला उन्नाव, वहाँ जो नैना देवी मंदिर से इधर नौकरी देने का जो आशा देकर इधर ले कर के भीख मांगने का काम कर रहा है। ये चारों बच्चे जो है चंडीगढ़ का रहने वाले हैं और इनका परिजनों से हम संपर्क कर दिया। आज चंडीगढ़ पुलिस को भी हमने सूचना दे दी, वहाँ से भी पुलिस की टीम जो है इधर आ रही है। टिहरी जिले के प्रभारी सचिव अमित नेगी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विकास कार्यों का पैसा समय से खर्च करने और समय पर योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के प्रभारी सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को हिदायत दी है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज जनपद प्रभारी के रूप में मेरे द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, उसमें कई सारे पहलू थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट प्लान है, स्टेट प्लान है, सेंट्रल प्लान है, उनकी समीक्षा की गई कि कितना बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज हुआ है, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट्स के कितना उन्होंने खर्चा किया है। तो जिन डिपार्टमेंट्स ने खर्चा कम किया है, उनको हिदायत दी गई है कि अपना खर्चा तत्काल वो बढ़ाएं और उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने पूर्व PM को नए भारत का सूत्रधार बताया और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही आज भारत विश्व शक्ति बनने के करीब है ये भी बताया। अटल जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ा, एक नई दिशा मिली, देश दुनिया में देश के लोगों की पहचान और देश की पहचान बनने में अटल जी का विशेष योगदान है। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा इन दिनों एक गीत
ऐ वतन तुझे सजाएंगे प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी झील को भी दर्शाया गया है, जो कि टिहरी के लिए खुशखबरी है। इसके लिए वो भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सॉन्ग रिलीज हुआ है, ये वतन तो जैसा सजाएंगे, और उस वतन में के गीत में टिहरी शहर और टिहरी झील को स्थान देकर भारत की सरकार ने 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए जो विजन प्रदर्शित किया है, उसमें टिहरी शहर और टिहरी झील का नाम आना अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं आप सबके माध्यम से टिहरी शहर को और टिहरी झील को देश और दुनिया तक ले जाने के लिए उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में बृहद पेयजल योजना में विभागों के द्वारा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आक्रोशित युवा कांग्रेस और स्थानीय जनता ने उपजिलाधिकारी का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने पेयजल वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस योजना का डीपीआर 2007 में तैयार हो गया था। 13 करोड़ की लागत से बनने वाली योजना 12 साल में भी नहीं बन पाई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के कर्मचारी कई ग्रामीणों को एक पेयजल कनेक्शन तक नहीं दे रहे और कई घरों के आंगन में भी स्टैम्प पोस्ट लगाए गए हैं। पेयजल कनेक्शनों के अनियमित वितरण से ग्रामीणों में भारी रोष है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो हमें लगता है कि कहीं कहीं पर वो बृहद पेयजल योजना में विभाग द्वारा मानकों की अनदेखी की जा रही है, तो हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि कहा है कि मानकों के अनुरूप वहाँ पर को काम किया जाए, जिससे समस्त गरुड़ क्षेत्र की जनता को इस बृहद पेयजल योजना का लाभ मिल सके। 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। हरिद्वार आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हरिद्वार में कई घाटों पर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण किया। ये इंस्पेक्शन जो आज हमने किया इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, वो इस बात को लेके है कि जो हर की पैड़ी के बाद जो कांगड़ा घाट है, महिला घाट के बाद रादर, उसको पूर्व में भी विस्तार करने की बात चली थी, क्योंकि हर की पैड़ी का क्षेत्र बड़ा, आप जानते हैं, लिमिटेड है। लगभग 26,000 स्क्वायर फिट का है। एक बार में लगभग 35 से 40,000 श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं, और जिस हिसाब से श्रद्धालुगण बढ़ रहे हैं कुंभ में, तो इसका हल्का फुल्का विस्तार करना बड़ा आवश्यक है, जिसमें कि हम जो महिला घाट है इसको थोड़ा अगर शिफ्ट कर देंगे तो हर की पैड़ी में एक बहुत लंबा हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज आपने देखी उत्तराखंड की क्या क्या खबरें थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।